हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आई होप यू आर गाइस फाइन एब्सोल्युटली वेयर एवर यू आर। सुबह बज गए हैं, बजने वाले हैं 9 और मैं निकल गई हूँ हमारी गाड़ी लेके कपड़े सुखाने के लिए। सो, जाना था कल ही लेकिन कल नहीं जा पाई, भैया आए थे तो बैठे थे और आज भी भैया आने वाले हैं लेकिन 9:30 बजे आएंगे। तब तक तो मैं कपड़े सुखा के आ जाऊंगी, उसके बाद जाएंगे सिटी सेंटर में। तो भैया की छुट्टी होती है ना तो कहीं पे घूमने के लिए निकल जाते हैं हम लोग भैया की गाड़ी में, तो अच्छी बात है, थोड़ा टाइम पास हो जाता है, थोड़ा माइंड भी फ्रेश हो जाता है क्योंकि ठंडी है तो पूरा दिन घर में रहना पड़ता है, तो अच्छी बात है। और घर का सारा काम हो गया है, बर्तन वगैरह तो सब हो गया था, मम्मी ने झाड़ू लगा दिया था और पोछा लगा के मैं निकल गई हूँ कपड़े लेके, और बच्चों को भी छोड़ दिया है दोनों को। और आज ना विहान को भी आना था तो वो भी ना वो रेडी होके हमारे साथ आने के लिए निकल गया था और बाद में मम्मी उसको घर में लेके गए क्योंकि आज तो उसने जूते वूते सब पहन के रेडी हो गया था, उसको आना ही था आज, इतना मन था उसको आने का। वरना यूजुअली क्या बोलता है कि मम्मी स्कूल पे छोड़ने जाती हूँ, मम्मी बाय बाय ऐसे बोल के मुझे भेज देता है, और आज उसको आना ही था साथ में तो नहीं लेके गई क्योंकि सुबह सुबह ना ठंडी होती है, वॉक भी नहीं करता है वो। सो चलो जल्दी जल्दी जाती हूँ, कपड़े सुखा देती हूँ और बाद में कंटिन्यू करती हूँ। सो भी कंटिन्यू लोग में सुबह लॉन्ड्री में आ गई हूँ, देखो बहुत ज़्यादा गर्मी भी लगने लगी है और कपड़े भी डाल दिए हैं सुखाने के लिए, तो कपड़े हमारे सूख रहे हैं वहाँ पे। तो ये है ड्रायर, सब ड्रायर मशीन है और यहाँ पे वॉशिंग मशीन है, तो ये सारे वॉशिंग मशीन है। सो पास में ये नज़दीक में इतना फास्ट आई ना तो बहुत ज़्यादा गर्मी लगने लगी है। सो कोई नहीं, चलो अब 15 मिनट सुखाने के बाद निकल जाते हैं वापस घर पे। हाँ, यहाँ पे कुत्ते को भी कुछ ने पोटी करवा के गए हैं हमारे घर के पास ही, तो हमारी सवारी निकल चुकी है। देखो ये है हमारी गाड़ी, यहाँ पे इसको क्लीन करना पड़ेगा, अभी किसी का कुत्ते का पोटी हम क्लीन क्यों कर रहे हैं अभी इंडिया जैसा हो गया है, इंडिया में कैसे बोला वो जंगली कुत्ता है ना घर के पास ही या घर के ओटे के ओटे में पोटी करके जाता है ना, अभी यहाँ पे भी लोग ऐसे करने लगे है अभी। सुबह गाड़ी पार्किंग करके निकल गए हैं सिटी सेंटर में, तो गाड़ी ना पार्किंग बहुत ज़्यादा दूर की है क्योंकि यहाँ पे ना पेमेंट करना पड़ता है, तो हमने फ्री में गाड़ी पार्क किया है और अप टू 3 आवर्स हमें थ्री आवर का गाड़ी पार्किंग का फ्री होता है तो वहाँ पे रखिए, पैसे नहीं पे करना है। सब लोग है वहाँ पे पीछे भैया दीदी मम्मी सब है पीछे, और विहान को घर पे छोड़ा है, पापा घर पे, वो भी घर पे इंजॉय करेगा, हम लोग यहाँ पे इंजॉय करके जाते हैं। और आइस को पिक करने से आइस को पिक करने के टाइम पे शायद पहुँच जाऊँगी, वरना हमारी सिस्टर वहाँ से पिक कर लेंगे क्योंकि सिस्टर का नेम भी ऐड करवा दिया है, तो अच्छा हुआ मैंने ऐड करवा दिया था ताकि मैं ना बाहर होती हूँ तो पिक कर सकते हैं, वरना तो स्कूल पे कोई भी नहीं जाता है तो स्कूल से फ़ोन आता है कि कहाँ पे हो, जल्दी पिक करने के लिए आओ, बच्चा रह गया है। सो ये होता है, मैं ज़्यादा फास्ट वॉक कर गई ऐसा लगता है, देखो सब लोग पीछे। तो भाई प्रेमार्क में आ गए हैं, अभी हमारा होने वाला है एंट्रेंस और मॉर्निंग में ना इतने ज़्यादा भीड़ नहीं होगी, जाते हैं सब कुछ खरीदी कर। अभी मम्मी देख रहे हैं अभी स्वेटर छोटे छोटे कितने का है, वो 8 पाउंड का है, सभी में प्राइस टैग लगा हुआ है। और यहाँ पे है सेल्फ में, वो यहाँ पे है 14 का था, 10 में लगाया है गर्मा गर्म। सुबह लिफ्ट में चढ़ गए हैं यहाँ पे, मम्मी दीदी सब है वहाँ पे, मैं हूँ यहाँ पे। सुबह इसकी प्राइस देखो 450, यहाँ पे दीदी सिलेक्शन कर रहे हैं। देखो बढ़िया बढ़िया टॉयस यहाँ पे लगे हैं बच्चों के लिए, पिकाचू देखो कितनी प्राइस है पता नहीं है इसकी, 4 पाउंड का है। हाँ ये देखो,
अच्छा भाई देखो यहाँ से कितना बढ़िया लग रहा है। डेकोरेशन बहुत बढ़िया लगा है यहाँ पे, देखते ही रहो देखते ही रहो। देखो रात को शाम को इतना अच्छा लग रहा होगा ना यहाँ पे, देखो पूरा मॉल कितना अच्छा है बढ़िया तरीके से। तो भाई बज गए हैं 11:10 हो चुके हैं और मैं ना आयुष को पिक करने आ गई हूँ वापस, क्योंकि आना नहीं था, हमारी सिस्टर आने वाले, सिस्टर लेने वाले थे यहाँ पे आते तो सोचा 10 मिनट बाकी है, चलो यहाँ पे मैं जाके लेके आती हूँ, क्योंकि मम्मी ने बोला दीदी लेके घर पे छोड़ जाएंगी, तो फिर मैंने सोचा चलो मैं ही चली जाती हूँ। तो यहाँ पे भैया को बोला तो मुझे पास में, स्कूल के पास में मुझे ड्रॉप कर दिया, तो मैं अभी जा रही हूँ। तो होपफुली अभी ये ना निकलेंगे तब तक तो मैं पहुँच स्कूल पे रीच कर जाऊँगी, रीच कर जाऊँ पहुँच जाऊँगी वहाँ पे। चलो जल्दी जल्दी पिक करती हूँ, क्योंकि हमारा ये टाइम है ना बहुत हार्ड टाइम है, क्योंकि क्या होता है कहीं पे भी जाओ बच्चों का स्कूल के टाइम पे आना ही आना है, मिस नहीं करना है बच्चों को पिक करने का। तो चलो जल्दी जल्दी पिक कर लेती हूँ। हेलो लेडीज, हाउ आर यू? देखो अभी बारिश आ रही है, सभी बच्चों को लेके किसी के घर पे खड़े रह गए हैं। अभी उसको लगेगा, ये कैमरे में से देखेगा ना तो उसको लगेगा कि इतने सारे मेहमान आ गए क्या है। हाँ डोर भी खोलेंगे, बोलेंगे कि चलो चाय पानी पी के चले जाओ। मनसा बहन कुछ बोला है? फंस गए लेकिन इतना ज्यादा बारिश आने वाली है, हम लोग यहाँ पे इतनी ज्यादा नहीं खड़े रह सकते, क्योंकि हाँ कोई भी ना अम्ब्रेला लेके नहीं आया है। वो देखो दोनों कितना अच्छे से शेयरिंग कर रही है, देखो। और देखो हमारे बच्चे यहाँ पे, देखो लंदन में कैसी हालत हो गई, देखो ऐसी नैनो ऐसा देखो सब के सब लंदन। हेलो हेलो जियान, जियान ना जियान, हेलो हाउ आर यू जियान, हाउ आर यू? यूट्यूब में आएगा तू जियान, तू लोग देखते हैं ना, ये हमारे बहुत बड़े फैन है ना, बड़े फैन है। हाँ हर रोज वो लोग देखते हैं ना, एवरीडे एवरीडे देखते हैं ना, लाइक करते रहना, कमेंट करते रहना और सबको लिंक शेयर। हाँ और देखो हमारी मान्या यहाँ पे, बोलना बोलो बोल बोल, नहीं इधर 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 देख के बोल। हाँ अभी बोल लाइक कमेंट कमेंट सब्सक्राइब वाव ना। यहाँ पे देखो मान्या, हेलो मान्या, हेलो मनु, हाउ आर यू? देखो भाई सब लोग निकल गए हैं बच्चा पार्टी को लेके, यहाँ पे देख लो पीछे का बैकग्राउंड दिखा रही हूँ अभी, फिर आगे का बैकग्राउंड बाद में आएगा। देखो बारिश भी देखो कितनी आ रही है, बहुत आ रही है, मुझे लगता है अभी लास्ट वीक है बच्चों की, और बीमार हो गए तो क्या करेंगे, क्या करेंगे क्या। लंदन में अच्छा है, लंदन में क्या अच्छा है, देखो हमारे लंदन में ये बारिश की वजह से सबको बच्चे को लेके जाना आना आना हार्ड है, बहुत बहुत हार्ड है। और इंडिया वालों को लगता है कि वाह वहाँ पे इजी है, वहाँ पे पाउंड है लेकिन पाउंड नहीं है भाई, यहाँ पे पाउंड है, पाउंड कमाना इतना इजी नहीं है जितना आप सोच रहे हो। हंसी हो अच्छे, तुम्हारा मुंह तो अच्छे से दिखाओ पहले, जिसे दिख रहा है ये रेन भी आ रही है तो मेरे सर में आ रही है, देखो मैं मुंह कैसे दिखाऊं, मुंह दिखाई की रस्म कर दो अभी। सभी के सभी खड़े रहे, उसके बाद ये ना स्टॉप नहीं हुई तो फिर से निकल गए हैं अभी बारिश में। आयुष दिस वे, एवरीबॉडी हियर स्टॉप हियर, यस। इतने बारिश में कोई रोकते भी नहीं है गाड़ी, गाड़ी वालों को कुछ कहना है? कुछ कहना है तो क्या, अभी बारिश आ रही है तो रुक जाओगे,
बच्चों को पहले जाने दो, आखो ग्रुप हारो निकलो जो आप मानू को तो अच्छा है गाड़ी है ना, है ना मानिया को देखो and it's nearly 6 o'clock and my mom is doing homework here. I was just helping and Ayush is disturbing us too. So far they're just like looking TV and doing some homework here. I don't know if it's right and wrong, so we will go tomorrow and see is it correct or not. So homework mein kya tha ke make like synonym. Synonym मतलब like different. नहीं ये इसको synonym नहीं बोले. नहीं कुछ और. Similar. खारा बोलता है. फोनों के खालो. Phonics. No. Make sure camera on mode हो रहा है. इसको के खारू बोलता है. क्या बोलता है इसका नाम कुछ दिया था हमें. I don't know. क्या था? इसका क्यों होमोफोन याद आ गया. होमोफोन करवाने से मेरा होमोफोन ये है होमवर्क का. होमोफोन इसमें ना क्या है कि टू वर्ड्स जो डिफरेंट मीनिंग का होता है. टू मीनिंग्स डिफरेंट टू वर्ड्स डिफरेंट मीनिंग्स and different letters. ये always different letters करे. Okay, how to explain? Well, it has to be like different meanings, but it's like sound the same. Yeah. So इसने अच्छे से explain कर दिया क्योंकि मैं ना अभी थोड़ा confused हो गई थी कैसे explain करूँ. तो देखो हमने ऑलरेडी कर दिया है तो थोड़ा घुमा के दिखाती हूँ. आई होप कि अच्छा रहेगा कल का दिन. तो अच्छी बात है कल हमारा लास्ट डे है. So we will enjoy. आइस को मॉर्निंग में आइस का फंक्शन है जो क्या बोलते हैं क्रिसमस क्रोलर है कि क्या है क्रिसमस कॉन्सर्ट है कि क्या है वो आपके स्कूल कोरल. हाँ क्रिसमस कोरल है क्या क्या है क्रिसमस कॉरल्स है. तो कह रहे तो आयुष का कल है और इसका आज था लेकिन कैंसिल हो गया. ऑन फ्राइडे विल सी ऑन फ्राइडे. और कल ना इन लोगों को व्हाइट एंड ब्लैक पहनाना है. क्या पहनाना है? व्हाट मनी व्हाइट बॉटम. ये नहीं एवरीबॉडी यू कैंसिल यू आर ऑन फ्राइडे. नहीं काले ब्लैक एंड व्हाइट पहनाना है एवरीबॉडी. नहीं मनी नसी ई का इंफॉर्मेशन आई पुन मिस आई पुन. नहीं ओके सो मे बी आई नो सर ना इसको ले आई पुन पर ईमेल आवे लो सर. हां पर ये नो है नो. सो मे बी आई इसका होगा. इसको कल व्हाइट एंड ब्लैक पहनाएंगे. बहुत थोड़ा बैकग्राउंड म्यूजिक में अभी यहाँ पे ज्यादा कुछ आ रहा है. इसको वो क्लीन करना पड़ेगा. वो खाने के लिए बैठा है. तो चलो मैं हमारा कैमरा घुमा के दिखा देती हूँ हमारा होमवर्क. और बैकग्राउंड म्यूजिक थोड़ा ज्यादा है तो थोड़ा ज्यादा आ रहा होगा लेकिन सॉरी कोई बात नहीं. आप लोगों को भी सुनने को मिलेगा कि क्या हम देख रहे हैं यहाँ पे. ये बहुत ज्यादा आवाज है लेकिन सीरियसली. So far we done this one. Hey, hey, yo! Excuse me. This is at school. She done it. This is at home. We're doing. This is the homework. We did it now, but we are not sure if it's correct or not correct. अगर आपको ऐसा लगता है कि ये spelling mistake है, वो तो पता ही है हमें. लेकिन सिर्फ मैंने ना साइड में लिख दिया है एक्सप्लेन कैसे करना है उसकी वजह से. लेकिन ये मैंने स्पेलिंग मिस्टेक है नो प्रॉब्लम. एटलीस्ट मुझे एक्सप्लेन करना अच्छे से एक्सप्लेन कर लूँगी वही मेरे लिए काफ़ी है. या और ये ना परफेक्ट है करे थे ये हमने लास्ट वीक किया था. तो अभी ये है. no, और यहाँ पे आई नो स्पेलिंग सबका अलग अलग है लेकिन कोई बात नहीं. मैं एटलीस्ट मुझे थोड़ा सा रिमेम्बर वेट थोड़ा सा मुझे आइडिया आ गया है ना कि इसमें क्या मुझे बोलना है तो मैं एक्सप्लेन कर दूंगी. तो ये है तो इसमें स्पेलिंग को नहीं देखने का लेकिन मैं जैसे एक्सप्लेन करूंगी तो वो काफ़ी है. और ये भाई साहब को ना अभी मार्क पड़ने वाली है. तो ये सब स्टार्टिंग में हमें करवाया था वो देखने के लिए आपको कितना कितना क्या क्या आता है. ये सारे पेपर हमारे. You didn't do this? Yeah, yes. ये अभी मेरे को होमवर्क दिया था लेकिन मुझे टाइम नहीं मिला था ये होमवर्क करने का. We're doing it today as well, that one.
No, that's fine. We no, later wait. Already wait. Okay, what is this? Start. This one, tiny girl, monster, beautiful. ये क्या लिखा था? Yummy, potty. हाँ. Oh no, मेरा paper फट जाएगा. So चलो. अभी ये सारी चीजें रख देते हैं. पहले वो ना विहान का जो खाना का वो प्रोसेस था ना वो पहले साफ कर लेते हैं और उसको पहले It's good or night? Is it good night or good evening? Everyone, it's 7 o'clock, and everyone had their dinner except my dad because he went running to somewhere, and there's an argument going on because Vihan, my little baby, he's getting things from Ayush, my older brother, than him. And because they're like, I'm alone, just playing anything. And my mom is cleaning the dishes and everything. Hello.